हेलो फ्रेंड्स, कुलिंदा कार टेक में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एंड्रॉइड सिस्टम कार एंड्रॉइड प्लेयर के अंदर में पीआईपी का फंक्शन जिसे हम फुल फॉर्म में कहते हैं पिक्चर इन पिक्चर। हम दो स्क्रीनें मतलब दो एप्स एक स्क्रीन के ऊपर कैसे ऑपरेट करेंगे हाफ एंड हाफ, जिसे हम कहते हैं डुअल स्क्रीन। तो उसको उसकी सेटिंग्स आती है, वो सेटिंग्स कैसे की जाती है जिसके कारण आप दो एप्स को एक साथ अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, जैसे कि हमारा गूगल मैप हो गया और एक हमारा YouTube हो गया। अब हम दोनों को हाफ हाफ स्क्रीन में कैसे देखेंगे वो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा उसकी कैसे सेटिंग आपको करनी है। जैसे कि मेरे पास ये एंड्रॉयड सिस्टम है, अब मैं आपको इसमें PIP का फंक्शन ऑपरेट करके दिखाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले तो हमको क्या करना है, अपना वाईफाई से इसे पर्सनल हॉटस्पॉट से कनेक्टिविटी करना है अपने एंड्रॉयड सिस्टम को, ठीक है। और अपने एंड्रॉयड सिस्टम में अपने हमें क्या करना है, ऐप्स में जाएंगे। सबसे पहले सपोज अगर मेरे को YouTube प्ले करना है और Google मैप एक साथ प्ले करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मैं YouTube वाले फंक्शन को ऑन करूंगा अपना। मेरा YouTube का फंक्शन ओपन होएगा, इस टाइम मेरा YouTube का फंक्शन ऑन हो गया है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, एक होम बटन दिया होता है, हर एक एंड्रॉइड सिस्टम में होम बटन दिया होता है, इसे हमको प्रेस करेंगे वो हमारा इनविजिबल हो जाएगी डिस्प्ले। फिर नेक्स्ट फंक्शन क्या करना है, मुझे नेविगेशन ऑन करना है, ठीक है। मेरा नेविगेशन वाला फंक्शन को मैंने क्लिक किया, इस हिसाब से मेरा नेविगेशन का फंक्शन ऑन होगा। ये मेरा नेविगेशन का फंक्शन ऑन हो गया। अब मुझे क्या करना है, इसको यहाँ से इसको भी बैक कर देंगे, ठीक है। अब ये मेरी दोनों स्क्रीनें जो है, हर एंड्रॉयड के सिस्टम के ऊपर में इस टाइप के बॉक्स होता है, ये बॉक्स कभी इस टाइप में इधर इस तरफ भी इंडिकेशन करता है और कई एंड्रॉयड्स में इधर इंडिकेशन कर रहा है। जैसे कि मेरा इस टाइप में इंडिकेशन कर रहा है, मैं इस बॉक्स पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे मेरे दो एप्स दिखा रहा है, ठीक है। बॉक्स शॉर्ट में दिखा रहा है, एक मेरा गूगल मैप एक यूट्यूब। अब इन दोनों ऐप्स के ऊपर मैं वन से मिनट हाँ, अब इन दोनों ऐप्स के ऊपर मैं ऐसे क्लिक करके दबा के रखूंगा, ऐसे मेरा इसमें दो आपका ड्रैप स्क्रीन खुल जाएंगे, ठीक है। और मैं इस वीडियो को उठाकर इधर ले आऊंगा, और मेरा ये दो स्क्रीनें एक साथ ऑपरेट हो जाएंगी, जैसे कि मेरा भी यूट्यूब भी ओपन हो गया और मेरा गूगल मैप भी ऑपरेट हो गया। अब मुझे कुछ सर्च करना है गूगल मैप के ऊपर में, तो मैं यहीं पर इसको यहाँ पे सर्चिंग कर सकता हूँ, कुछ भी लोकेशन डालना है, जैसे कि मेरे को अपना मैंने अपना नियर बाई कुछ भी यहाँ पे मैंने डाला, कालका जी मेट्रो स्टेशन, ठीक है। तो मेरा जो लोकेशंस है, इस स्टेप से मैंने अपना लोकेशंस अपना सेव करूंगा, जैसे भी आपको कहीं भी अपना गूगल मैप को ट्रैवलिंग करना है, यहाँ से मैं स्टार्ट करूंगा, इस स्टेप से मेरा गूगल मैप स्टार्ट हो गया। अब मेरे को अपना प्ले करना है, आपकी गाड़ी ड्राइव करोगे आपकी गाड़ी की तरफ ये अपना रोटेशन अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद मुझे अपना गूगल मैप अपना सॉरी यूट्यूब प्ले करना है। अब मेरा ये यूट्यूब चल रहा है, मैं अपना वीडियो को यूट्यूब में भी प्ले कर सकता हूँ, यहाँ पे मेरा यूट्यूब का वीडियो प्ले हो गया है। और इस वीडियो को मैं बड़ा कर सकता हूँ, इस तरह से मेरा वीडियो आएगा। अब मैं अगर मेरे को गूगल मैप का वीडियो करूँ तो हम यहाँ से शिफ्टिंग भी कर सकते हैं, इस टाइप से इतना ही मैं शिफ्टिंग करूंगा तो ये मेरा गूगल मैप का फोल्डर और ओपन बड़ा हो गया। सपोज मेरे को यूट्यूब का वीडियो प्ले बड़ा करना है तो मैं शिफ्टिंग को इस तरफ लेके जाऊंगा और ये मेरे यूट्यूब का वीडियो बड़ा हो जाएगा। इस टाइप से पिक्चर इन पिक्चर का फंक्शन हम इस तरह ऑपरेट कर सकते हैं। ये फंक्शन आपको मैं बताता हूँ, एक चीज और आपको गाइड बताना है इसमें मेरे को सेटिंग में आपको, जैसे कि मैं वीडियो वाले ऑप्शन में जाऊंगा, वन से मिनट, वीडियो वाला ऑप्शन में जाऊंगा, जैसे मैंने वीडियो प्ले किया अपना, इस टाइप की सेटिंग देखनी होती है हमें। ये जो फंक्शंस वाला फंक्शन बना होता है, ये पिक्चर इन पिक्चर का फंक्शंस दिया होता है, ठीक है। ये देखिए, ये फंक्शन हमारा पिक्चर इन पिक्चर का फंक्शंस दिया होता है यहाँ पे, ये वाला। अगर आप इसको क्लोज कर देंगे तो पिक्चर इन पिक्चर का फंक्शन आपको ऑफ हो जाएगा, और इसको हमें इस टाइप से रखना है जो कि हमारा पिक्चर इन पिक्चर का फंक्शन ऑन होता है, इसके कारण हम अपनी दो स्क्रीनें फिर उसको ऑपरेट कर सकते हैं उसके साथ में। अब ये नया सीरीज का यूनिट है, अब मैं इसमें आपको पीआईपी का सेटिंग बताऊंगा, पीआईपी की सेटिंग इसमें कैसे की जाती है। सबसे पहले हम मेन्यू में जाएंगे, मेन्यू में सेटिंग्स में जाएंगे, सेटिंग्स में मोर पे जाएंगे, मोर में कार सेटिंग आएगा, कार सेटिंग पे क्लिक करेंगे,
कार सेटिंग में एक्स्ट्रा सेटिंग है, एक्स्ट्रा सेटिंग में जाएंगे और पासवर्ड डालेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड देन ओके। अब इसमें हमारी एक सेटिंग्स आती है, एक ऑप्शन आएगा सॉरी इसमें, जिसे हम बोलते हैं फ्लोट वीडियो। फ्लोट वीडियो, फ्लोट वीडियो पे हम क्लिक करेंगे, यहां इसमें ओपन है, अगर क्लोज होगा तो आपका पीआईपी वाला फंक्शन काम नहीं करेगा। अब इसमें ऑन है, कंपनी ने इसमें ऑन की सेटिंग दी हुई है, तो इसका मतलब हमारा इसमें पीआईपी वाला फंक्शन एक्टिव है। ठीक है, हम यहां से हम कैंसिल कर देते हैं, कैंसिल करके होम पेज पर आएंगे। अब मैंने इस वाले बॉक्स पर क्लिक करूंगा, इसमें मेरा ये YouTube है, ये पीछे प्ले स्टोर है, ओके YouTube मेरा है, ओके नो प्रॉब्लम। ठीक है, मैं यहां से भी बैक कर दूंगा और अपना Google मैप ओपन करूंगा, ये मेरा Google मैप है। ठीक है, इसको भी बैक किया मैंने और यहां पे फिर क्लिक करूंगा, चलो इसे पहले क्लियर कर देते हैं। ठीक है, अगेन दोबारा से ओपन करेंगे, Google मैप ओपन किया, और ये गूगल मैप को मैं यहां से होम स्क्रीन से बैक करके बाहर आ जाऊंगा। उसके बाद मैं अपना यूट्यूब ओपन किया। हम किसी चीज को भी, दो स्क्रीन को हम कैसे भी उसको ऑपरेट कर सकते हैं, पिक्चर इन पिक्चर में। अभी मैं आपको दूसरा टाइप का ऐप भी करके दिखाऊंगा। सपोज आप बोल रहे होगा कि दोनों ऑनलाइन ऐप ही हम यूज कर रहे हैं, नहीं, आप एक ऑफलाइन और एक ऑनलाइन भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं आप इसको होम स्क्रीन पे जाऊंगा, इस पर क्लिक करूंगा बॉक्स पे, अब ये दोनों ऐप्स है, इन दोनों फिंगर्स से मुझे ऐसे दोनों ऐप्स पे ऐसे क्लिक करके रखना है और एक ऐप को इस तरफ ले आना है, आ गया, और एक मेरा यहाँ पे ओपन हो जाएगा, गूगल मैप ओपन हो गया और ये मेरा इसमें यूट्यूब भी स्टार्ट हो गया है। ठीक है, कोई भी मैं प्ले वीडियो करके अपना, जैसे कि ये दो ऐप मेरे ऑन हो चुके हैं। ठीक है, ऑनलाइन गूगल मैप भी और मेरा क्या उसका नाम इसमें गूगल मैप भी और यूट्यूब भी। ठीक है, अगर मेरे को अभी इसमें एक ऐप चलाना है वीडियो का ऑफलाइन का और एक चलाना ऑनलाइन का, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले मुझे ये वाला किसी को भी को मुझे क्लोज करना है। अब मैं जैसे कि गया हूं इसमें और मैं अपना वीडियो वाले ऑप्शन में गया हूं। ठीक है, इस ऐप से मेरा वीडियो भी स्टार्ट हो जाएगा, ये मेरा वीडियो का प्ले हो गया। अब जिस हिसाब से मेरे को वीडियो बड़ा करना है, अपना वीडियो बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें गूगल मैप, ये मेरा वीडियो प्ले हो जाएगा इसमें, और मेरा ये ऑफलाइन वीडियोस है और ये मेरा अपना अपना इसमें गूगल मैप प्ले कर। तो इस सेटिंग से हम अपना पिक्चर इन पिक्चर का फंक्शन ऑन कर सकते हैं, दो स्क्रीन हम एक साथ अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज मुझे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और मेरी नई वीडियोस अब आने वाली है और वीडियो में सेंड करने डालने वाला अपना यूट्यूब के चैनल के ऊपर में, तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू सर।